हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये सब अब जितने भी क्वेश्चन अपन करेंगे सब मिनिमल डीएफए करेंगे। अभी मैं एक पैटर्न पे क्वेश्चन कर रहा था, इसीलिए मैं तीन तीन का बंच बना के आपको एक नोट भी लिखवा रहा था। अब आगे मैं इकट्ठा और नंबर ऑफ क्वेश्चन दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा लिख करने के लिए आपको, सिर्फ उस वीडियो में। इसके बाद इस वीडियो में आपके पास सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे, आंसर मैं नहीं दूंगा। आंसर सिर्फ मैं इन तीनों को बताने वाला हूँ क्योंकि ये पैटर्न पे चल रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए। कंस्ट्रक्ट द मिनिमल एफए दैट एक्सेप्ट ऑल ऑल स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वंस वेयर एवरी स्ट्रिंग कंटेन द सब स्ट्रिंग। ये किस टाइप क्वेश्चन है? सब स्ट्रिंग कंटेन करे जिसमें पहला दिया हुआ है जीरो, मतलब इसकी लैंग्वेज क्या होगी? एक्स जीरो एक्स। ठीक, अगर इसका डीएफए बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले एक सिंगल मतलब मिनिमम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने की बनाएंगे क्यू जीरो। क्यू जीरो में जीरो आने पर कहां जाएंगे? क्यू वन में जाएंगे। ठीक, और यहां पे एक्सेप्ट कराइए। अब ध्यान रखिए, जीरो का ट्रांजिशन फुलफिल हो गए यहां। ये कोई ये बात नहीं है कि ये कितने भी सारे जीरो और कितने भी सारे वन से एंड हो सकता है। इसका मतलब कि क्यू वन में मैं जीरो कॉमा वन का लूप लगा सकता हूं और इधर भी वन का लूप लगा सकता हूं। बस ये है कि ये इस तरह का मिनिमल डीएफए बन गया कि ये वाला डीएफए ऑलवेज जीरो सब स्ट्रिंग कंटेन करेगा ही करेगा, मिनिमम। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आप यही देखा करें कि लैंग्वेज क्या क्या रहा है, फिर मिनिमल डीएफए को बनाने की कोशिश करें। जैसे सेकेंड है 10, l इक्वल टू 10, तो इसकी भी लैंग्वेज एक्स 10x। ठीक, इसमें कैसे बनाएंगे? क्यू जीरो, पहले मिनिमम एक्सेप्ट कराइए, वन आने पर क्यू वन में जाइए एंड जीरो आने पर फाइनल स्टेट बना दीजिए क्यू टू। ठीक, इधर एक्स का मतलब ये हो गया कि अब आप इधर लूप दे दो 1,0 का। ठीक, और आप इधर लूप दे सकते हैं किसका? जीरो का लूप दे सकते हैं, कितने भी सारे ये जीरो ले ली क्योंकि यहां पे जीरो का ट्रांजिशन नहीं था। ध्यान रखें, मिनिमम स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराने के बाद आप ये देखा करें कि किस स्टेट से किसका ट्रांजिशन नहीं है, फिर उस ट्रांजिशन को फुलफिल करने की कोशिश करें। जैसे अगर मैं इसको फिर से इरेज करके आपको बताऊं कैसे करेंगे, मिनिमम स्ट्रिंग इसकी कितनी है? 10, तो क्यू पहले इसको एक्सेप्ट कराएं, क्यू जीरो में 1 आने पर क्यू 1 में गए, फिर 0 आने पर क्यू 2 में गए और ये फाइनल स्टेट बन गया। अब सारे ट्रांजिशन को फुलफिल करने की कोशिश करिए, कैसे फुलफिल करेंगे? देखिए, मैंने पहले लिख रखा है एक्स, इसका मतलब कि स्टार्टिंग स्टेट पे 0,1 का कोई भी लूप दे सकते हैं। तो 1 तो ऑलरेडी आपका जा चुका है ट्रांजिशन, कौन सा ट्रांजिशन नहीं है अभी? 0 का नहीं है, तो 0 का ट्रांजिशन यहां दे सकते हैं। इसके बाद क्यू 1 में देखें, क्यू 1 में क्या है? क्यू 1 में 10 तो हो ही रहा है, मतलब इसमें मैं 0 का ट्रांजिशन फुलफिल हो ही गया। क्या मैं 1 का ट्रांजिशन दे सकता हूँ क्यू 1 पे ही? क्यू 1 स्टेट पे ही क्या मैं ट्रांजिशन दे सकता हूँ क्यू 1 स्टेट पे? क्यों दे सकता हूं? क्यों, कितने भी सारे 1 आए, कितने भी सारे 1 आए, ऑलवेज ये 10 सब स्ट्रिंग तो लेगा ही लेगा, घूम गया तो 10 तो आने आना, तो क्यू 1 के भी ट्रांजिशन फुलफिल हो गए। अब क्यू 2 के नहीं, तो क्यू 2 में भी 1,0 दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये है कि ये मिनिमम सब स्ट्रिंग कितना कंटेन करेगा? 10 तो करेगा ही करेगा मिनिमम, और बीच में एक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, थर्ड क्वेश्चन बनाऊं 10, इसका एल देखें एक्स 101x। ठीक, फिर वही, सबसे पहले मिनिमम को एक्सेप्ट कराइए और फिर सारे स्टेट से ट्रांजिशन पूरे करने की कोशिश करिए, क्यू जीरो, क्यू 1, क्यू 2, ये 1, ये 0 एंड क्यू 3, ये फिर से 1। ठीक, ये फाइनल स्टेट, फिर वही ट्रांजिशन फुलफिल करने की कोशिश करिए। क्यू 0 किसका नहीं है? 0 का नहीं है, 0 डाल सकते हैं, कितने भी सारे 0 हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मशीन में, 101 तो एक्सेप्ट होगी होगी। अब क्यू 1 में देखिए, क्यू 1 में किसका दे सकते हैं? 1 का दे सकते हैं, कितने भी सारे 1 आए कोई प्रॉब्लम नहीं, 101 तो लेगा ही लेगा सब स्ट्रिंग। क्यू 2 में किसका नहीं है आपका? 0 का नहीं है। अब यहां पे थोड़ा सा देखें, अगर यहां मैं क्यू 2 का दे दिया, अगर मैं यहां क्यू 2 का लूप में 0 डाल दिया, तो प्रॉब्लम ये है कि वो 2 राउंड 0 घूम गया ना, तो 10001 ये एक्सेप्ट हो जाएगी, मुझे मिनिमम 101 एक्सेप्ट कराना है। इसलिए यहां ध्यान रखेंगे, 0 का ट्रांजिशन इस पे नहीं देंगे, कहां देंगे ये? इस पे 1 का ट्रांजिशन भी नहीं देंगे। ठीक, 1 का भी नहीं देना है ना, 0 का देना, क्योंकि अगर 10 का दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, कितने भी सारे 0 लेके 101 को एक्सेप्ट नहीं हो सकता, मतलब होगा लेकिन 10 इसकी बाकी सब में 101 तो आना ही आना चाहिए। तो क्या करें हम इसके लिए, क्यू 2 के लिए क्या करें? आप खुद सोचिए जरा, क्यू 2 के लिए क्या करें?
क्यू टू का 1 का ट्रांजिशन है लेकिन 0 का ट्रांजिशन नहीं है, जीरो कहाँ डाल सकते हैं आप? क्यू जीरो इनिशियल स्टेट में डाल दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? 0 1 0 1 ले लेगा, एक्सेप्ट यहाँ जाएगा, क्यू टू का 1 यहाँ डाल दें, 0 0 वाला ट्रांजिशन यहाँ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 1 0 1 तो आएगा ही आएगा। अब फिर से देखें Q3 में क्या मैं 1 0 1 ट्रांजिशन डाल दूं? यहाँ तो डाल सकता हूँ आराम से 1 0 का। तो ये आपका मिनिमल डीएफए बन गया, कितनी स्टेट का बन गया? 4 स्टेट का। तो फिर से एनालिसिस करें, अगर आपकी सब स्ट्रिंग की लेंथ 1 है तो 2 स्टेट का बन रहा है, 2 है तो 3 स्टेट का बन रहा है, लेंथ सब स्ट्रिंग की लेंथ 3 है तो 4 स्टेट का बन रहा है, इसका मतलब कि क्या बना? एन प्लस 1 बना। अगर एन स्टेट का है तो प्लस 1 कर दीजिए, 1 में 2, 2 में सब स्ट्रिंग की लेंथ 2 है तो 3, और 3 है तो 4, ठीक, और 4 होगा तो 5, 6 होगा तो 7, आप आंख मूंद के बोल सकते हैं। देखिए फिर से, ये मैं जो अभी क्वेश्चन करवाया हूँ ये उसी पे नोट है, उसी क्वेश्चन पे बेस्ड। इफ एल इज अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वंस वेयर एवरी स्ट्रिंग कंटेन द सब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एन दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू एक्स एस एक्स, मतलब सब स्ट्रिंग यहाँ पे एस है, वेयर मॉड एस इक्वल टू एन है, मतलब उसकी लेंथ एन है, जो आपने जैसे मान लीजिए 0x ये था, इसका अगर मैं मॉड निकालूं कितना आएगा? 1 आएगा, इसकी लेंथ स्ट्रिंग की 1 है। अगर मान लीजिए मैं 1 0 1 0 0 कर दूं, इसकी लेंथ कितनी आएगी? 3 आएगी, इसका मतलब यही है। वेयर मॉड एस इक्वल टू, मतलब स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एन है, देन द नंबर ऑफ स्टेट इन मिनिमल एफ ए टू एक्सेप्ट द लैंग्वेज एल इक्वल टू एन प्लस 1, ठीक, ये याद रखेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं करने के लिए। ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें हो सकता है डायरेक्ट इसका मिनिमल डीएफए ना सोच पाए, तो फिर वही तरीका, आप इनके सभी के मिनिमल, मतलब आप सब इन्हीं के एनएफए बनाएं, ठीक, क्या बनाएं? एनएफए। एनएफए बनाने के बाद उसका डीएफए कंस्ट्रक्ट करें और फिर उसके बाद मिनिमाइजेशन करें। प्लीज बी केयरफुल, इस वाले पार्ट में आप जल्दीबाजी ना करें। सबसे पहले क्या बनाएंगे? एनएफए। एनएफए आप बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या बनाएंगे? इनका डीएफए कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर उस डीएफए को मिनिमाइजेशन करेंगे। हो सकता आप में से, मैं इनमें सभी के क्या करूंगा, डायरेक्ट में मिनिमल डीएफए बनाऊंगा डायरेक्ट। हो सकता आप में से कई लोगों को ये प्रॉब्लम जाए कि इनका आप एनएफए भी नहीं बना पा रहे हो या फिर उसका मिनिमाइजेशन करने में दिक्कत हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप उसमें कमेंट छोड़ दीजिएगा और अपनी मेल आईडी दे दीजिएगा या अपना मोबाइल नंबर छोड़ दीजिएगा या मेल आईडी करके फिर आप अपन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू आप इसका आंसर ले लें, कन्वर्जन ले लें कैसे अपन ने कन्वर्स किया है, या ऑनलाइन आप आ जाइएगा तो मैं आपको गूगल हैंगआउट के जरिए आपको ये डाउट क्लियर कर दूंगा, अगर इस टॉपिक पे आपको डाउट आता है तो। ध्यान रखिएगा इनके सभी के डीएफए, मिनिमल डीएफए बनाना है आपको, तो अगर आप मिनिमल डीएफए नहीं सोच पा रहे हैं डायरेक्ट, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इनका एनएफए बनाएंगे, एनएफए का डीएफए में कन्वर्जन करेंगे, मैंने आपको एक क्वेश्चन में बता रखा है, क्वेश्चन करवाया भी था पूरा, और फिर उसका मिनिमाइजेशन करेंगे, ठीक, तो ध्यान रखेंगे। अब मैं ये 5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। कंस्ट्रक्ट द मिनिमल एफ ए दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वंस वेयर एवरी स्ट्रिंग। पहला क्वेश्चन है स्टार्ट एंड एंड विद जीरो, स्टार्ट और एंड विद जीरो होना चाहिए, इसका मैंने एनएफए बनवाया भी था आप लोगों से, बस उसी एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना है। सेकेंड है स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबॉल। थर्ड है स्टार्ट एंड एंड्स विद डिफरेंट सिंबॉल, स्टार्ट एंड विद डिफरेंट सिंबॉल। फोर्थ है एंड्स विद 0 0 और 1 1। फिफ्थ है एंड्स विद 1 0 और 0 1। तो इनका आंसर मैं आने वाले वीडियो लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही दे पाऊंगा आपको, बस ये ध्यान रखिएगा कि इनको आपको खुद बनाना है। अगर आप डायरेक्ट नहीं बना पा रहे हैं तो एनएफए बनाइए, फिर उसका डीएफए और फिर इसका मिनिमल एफए। चलिए अब अपन नेक्स्ट थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। ये जो लेवल है इनके, थोड़ा सा इनके क्वेश्चन समझने में ही आपको टाइम लग जाएगा, तो मैं इनमें थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा कि इनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक, उन हिंट की मदद से ही आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे कि क्वेश्चन लिखा क्या है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द मिनिमल एफ ए दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वंस वेयर एवरी स्ट्रिंग कंटेन द सब स्ट्रिंग ऑफ कंटेन द सब स्ट्रिंग डाइबिट एंड ट्राइबिट। अब आपको ये नहीं पता कि डाइबिट ट्राइबिट क्या है, तो देखिए डाइबिट का मतलब है सब स्ट्रिंग है, मतलब x 0 0 x, मतलब 2 डबल 0 हो या 2 डबल 1 हो,
दिस इज अ डाइबिट। ट्राइबिट में क्या हो जाएगा, ट्रिपल जीरो एक्स, या मतलब एक साथ तीन होने चाहिए, तीन वन, ये ट्राइबिट, ये ट्राइबिट की लैंग्वेज है और ये डबल बिट की लैंग्वेज, मैंने लैंग्वेज बना के दे दिया। डाइबिट मतलब दो जीरो से सब स्ट्रिंग होना ही होना चाहिए, दो जीरो या दो वन आपकी सब स्ट्रिंग होगी डाइबिट में। यहाँ लिखा है कंटेन द सब स्ट्रिंग डाइबिट, मतलब डाइबिट सब स्ट्रिंग में होनी चाहिए, तो जीरो जीरो वन वन सब स्ट्रिंग है और ये एक्स एक्स लगा दिया है। अब आप इसका मिनिमल डीएफए बना सकते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छे लेवल के हैं। कंस्ट्रक्ट द मिनिमल एफए दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वन्स वेयर वेयर द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग, ध्यान दें, वेयर द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग वन जीरो इज इवन, मतलब जो वन जीरो सब स्ट्रिंग है ये क्या करे, इसका जो अकरेंस हो इवन नंबर हो। तो इसके अगर मैं लैंग्वेज बोलूं, सबसे पहले सिग्मा इसका जीरो कॉमा वन इनपुट देंगे, ठीक। अब इससे पहले लैंग्वेज बनाइए, मुझे क्या लैंग्वेज बनाना है कि मेरा जो वन जीरो का वन जीरो जो है, जिसका जो सब स्ट्रिंग है, ये इवन नंबर्स में आए। इवन नंबर का मतलब ये है मॉड डब्लू और वन जीरो आना चाहिए, तो कितना आना चाहिए, जीरो लेंथ, मतलब जीरो आए, टू आए, फोर आए, सिक्स आए, एट आए, ऐसे आना चाहिए। तो अब इसकी लैंग्वेज सोचिए कैसे बनना चाहिए, इसकी लैंग्वेज में क्या क्या होना चाहिए। तो एल इक्वल टू, एल इक्वल टू, एल इक्वल टू में क्या है आपका अप्सिलॉन आना चाहिए, अप्सिलॉन मतलब जीरो लेंथ का होना, तो अप्सिलॉन होना चाहिए। अब देखिए कितने भी सारे जीरो 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 ले ले और कितने भी सिंगल वन ले, लेकिन वन जीरो ना ले, मतलब इसकी लैंग्वेज में क्या है, कितने भी जीरो ले सकता है, जीरो की पावर वन, कितने भी वन ले ले, वन की पावर एन। लेकिन ध्यान रखें अगर वन जीरो साथ में आया है, अगर वन जीरो साथ में आया, नेक्स्ट क्या, अगर वन जीरो साथ में आया तो वन जीरो फिर से आना चाहिए। मैं लैंग्वेज बना रहा हूं, ये आपके लिए हिंट है, आप बनाइएगा डीएफए, मैं अभी डीएफए नहीं बता रहा, नेक्स्ट मतलब वीडियो लेक्चर में इसका डीएफए बनाना सिखाऊंगा। तो अगर आज इसकी लैंग्वेज क्या है, अप्सिलॉन मतलब जीरो लेंथ का एक्सेप्ट कराना है, मतलब इसका मतलब कि अप्सिलॉन इसकी लैंग्वेज का पार्ट होगा। जीरो कितने भी जीरो ले ले कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने भी वन ले ले सिंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वन जीरो आ गया एक बार तो दूसरी बार फिर से वन जीरो अकरेंस आए आपका, ठीक। नेक्स्ट अगर फिर से वन जीरो आया तो फिर से क्या है, वन जीरो चार बार ऐसे आए, ये इसकी लैंग्वेज है। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट पार्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, वेयर द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग वन जीरो इज ऑड। अब इसमें किस नंबर में आना चाहिए, ऑड नंबर में आना चाहिए अकरेंस, जैसे यहाँ पे मॉड डब्लू क्या निकालू, वन जीरो, क्या आना चाहिए, ऑड नंबर में होना चाहिए, ऑड नंबर मतलब एक तीन पांच सात ऐसे आना चाहिए। फिर वही इसका भी वही बनाएंगे, कैसे करेंगे इसको बनाने के लिए, सबसे पहले इसमें क्या आना चाहिए, एल, वन जीरो किस नंबर में आना चाहिए, ऑड नंबर में, तो एक सिंगल वन जीरो, इसमें अप्सिलॉन पार्ट नहीं होगा, ध्यान रखें जीरो लेंथ का नहीं बनाना है, तो एक सिंगल वन जीरो है ऑड नंबर में, ठीक। एक वन जीरो तो मिनिमम आना ही आना चाहिए ऑड नंबर में, ध्यान रखेंगे ये बात तो, ठीक, क्योंकि ऑड लेंथ का बन रहा है, ऑड लेंथ वन से स्टार्ट होती, मतलब वन जीरो अकरेंस सब स्ट्रिंग की एक आनी ही चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, वेयर द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग, वेयर द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग वन जीरो इज ऑड, जिसे वन जीरो आ गया, 101 भी आ सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी अकरेंस 10 का, अगर 10 सब स्ट्रिंग का अकरेंस कितना है, ऑड ही है, कॉमा 100 भी आ सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 010 भी आ सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनमें भी 10 और 10 कौन से नंबर पे आ रहे हैं, ऑड नंबर पे आ रहे हैं, क्लियर है। इसके अलावा इसमें क्या और हो सकता है, 10 10 10 ये हो सकता है। अब इसके बाद आप इसकी लैंग्वेज बना लें और पहले मिनिमम के लिए बनाने के, वही सिस्टम आपको ट्रांजिशन फुलफिल करते चले जाना है और मिनिमम के लिए बनाना है कि मिनिमम इतने के लिए एक्सेप्ट करी जाए, एक बार ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो आपको आंसर तो मिलेगा ही। नेक्स्ट देखें, वेयर द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग, वेयर द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग 10 and 01 इज सेम। थोड़ा सा और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, वेयर द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग 10 and 01 इज सेम, 10 और 0 का 01 का जो अकरेंस है सब स्ट्रिंग में उस सेम नंबर पे है। फिर वही इसका सिग्मा क्या रहेगा, मतलब इसमें इनपुट सिंबल 0,1 है। अगर मैं बात करूं मॉड डब्ल्यू ऑफ 10 इक्वल टू मॉड डब्ल्यू ऑफ क्या बराबर आए, 01, इनके अकरेंस बराबर आने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं एल इक्वल टू 101, इधर देखिए 101 में 10 और फिर 01 बराबर अकरेंस आया, क्लियर है, 101 में बराबर अकरेंस आएगा। नेक्स्ट 010 इसमें बराबर आएगा, क्लियर है। लेकिन ध्यान रखें 10 10 नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, यहाँ पे अकरेंस चेंज हो गया, देखिए
10 एक अकरेंस हो गया, 01 दो अकरेंस हो गया, फिर 10, तो 10 कितने अकरेंस आ रहे हैं, दो। ये नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि देखिए पहला 10 अकरेंस है, फिर 01 का अकरेंस है, फिर 10, तो 10 कितने हो गए, 10 के दो हो गए और 01 के एक अकरेंस है, इसलिए ये स्ट्रिंग नहीं एक्सेप्ट होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये हो जाए क्योंकि इसमें 10 और 01 का एक एक अकरेंस आ रहा है, इसमें भी 01 और 10 का एक एक अकरेंस आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो इसको नहीं लेना है, ध्यान रखेंगे किसको नहीं लेना है, इसको मैं हटा देता हूं, 10 को नहीं लेना है क्योंकि इसमें अकरेंस 10 के बढ़ जाते हैं, किससे, 01 से, इसलिए इसको नहीं लेना है। नेक्स्ट, अगर इसमें एप्सिलॉन आ सकता है इस मशीन में, कोई प्रॉब्लम नहीं, एप्सिलॉन आ जाए बराबर आए, एप्सिलॉन मतलब 00 लेंथ के, ये दोनों हो सकते हैं, तो एप्सिलॉन एक्सेप्ट कर सकता है, कितने भी सारे 0 ले ले, कितने भी सारे 1 ले ले, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो मैं इतनी हिंट दे चुका हूं, अब आप क्वेश्चन आने की कोशिश करेंगे।